तुम जानते हो, जब हम तुम्हारी एज के थे तब हमारे समय में चीजें कितनी अलग थी। शायद कई बच्चे इससे तुरंत रिलेट कर पाएंगे, और आपकी इस समस्या से मोदी जी भी बिल्कुल रिलेट करते हैं। स्टूडेंट्स के लिए आयोजित कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा में मोदी जी देश भर के छात्रों से सालाना जुड़ते हैं, मोटिवेट करते हैं। उन्हीं चर्चाओं से हम ले आए हैं कुछ स्पेशल टिप्स हमारे एग्जाम वॉरियर्स के लिए। नेचुरल है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, पर सक्सेसफुल देखने और अपने अनफुलफिल्ड ड्रीम्स को अपने बच्चे के जरिए पूरा करने में बड़ा अंतर है। कई बार माता पिता की आकांक्षाओं के बोझ में बच्चों का फ्यूचर डिस्टर्ब होने का खतरा होता है। मोदी जी ने इन प्रॉब्लम्स को समझते हुए परीक्षा पे चर्चा में इस इशू पर फोकस किया। दूसरी तरफ ये भी कठिनाई है कि बहुत से माँ बाप होते हैं जिन्होंने बचपन में सपने उनके अंदर किसी ने बोए होते हैं, और वो सपना बड़े होते हैं वटवृक्ष बनता जा रहा है। वो अपने सपने तो खुद पूरे नहीं कर पाए, तो फिर वो सपने अपने बच्चों में ट्रांसप्लांट करते हैं। मैं डॉक्टर बनना चाहता था, नहीं बन पाया, मैं तो टीचर होकर के जिंदगी गुजार रहा हूं, तुझे डॉक्टर बना के छोड़ूंगा। वो कहता है मुझे खिलाड़ी बनना है, मुझे डॉक्टर नहीं बनना है। तो माँ बाप कभी कभी अपने बच्चों की क्षमता, परवरिश, इन सारी चीजों को देखे बिना खुद के जो अधूरे सपने रह गए हैं, कहते हैं ना लोग भाई, मैं तो इसमें मानता नहीं हूं इसलिए आप भी मत मानिए, लेकिन कहते हैं कि भूत प्रेत हुआ करते हैं। तो कहते हैं कि जिनकी इच्छाएं अधूरे रह जाती और मरते हैं तो कहते हैं भूत हो जाते हैं, फिर वो इच्छाओं के लिए तलसते रहते हैं। तो कभी कभी इच्छाओं के भी भूत होते हैं, इंसान के हो या न हो, और वो भूत आपको जकड़ लेते हैं। शायद पेरेंट्स भी जाने अनजाने में बच्चों की सफलता को अपना सोशल स्टेटस सिंबल मान बैठते हैं, उसे आंकने लगते हैं, उसका मूल्यांकन करने लगते हैं। अपने अधूरे सपनों को बच्चों पर थोपना खतरनाक तो है ही। पीएम मोदी बेझिझक कहते हैं कि बच्चों को अपना इंस्ट्रूमेंट ना बनाएं। आइए सुने उनका पेरेंट्स के लिए ये मैसेज। ये बात सही है कि बच्चों को सिखाने की, बताने की, संस्कार देने की जिम्मेदारी परिवार के सबकी है, लेकिन कई बार बड़े होने के बावजूद हमें भी तो जरा मूल्यांकन करना चाहिए। हम एक सांचा तैयार कर देते हैं और बच्चे को उसमें ढालने की कोशिश करते रहते हैं, और समस्या यहीं से शुरू होती है। हम इसे सोशल स्टेटस का सिंबल बना देते हैं। अक्सर माता पिता अपने मन में कुछ लक्ष्य तैयार कर लेते हैं, कुछ पैरामीटर बना लेते हैं और कुछ सपने भी पाल लेते हैं, फिर अपने उन सपनों और लक्ष्यों को पूरा करने का बोझ बच्चों पर डाल देते हैं। हम अपने लक्ष्यों के लिए बच्चों को जाने अनजाने में, माफ करना मुझे मेरा शब्द कहीं कठोर लगेगा, जाने अनजाने में हम बच्चों को इंस्ट्रूमेंट मानने लगते हैं, और जब बच्चों को उस दिशा में खींचने में विफल हो जाते हैं तो ये कहने लगते हैं कि बच्चों में मोटिवेशन और इंस्पिरेशन की कमी है। हर बच्चे के अपने गुण होते हैं, हर बच्चे के अपने सपने और आकांक्षाओं का संसार भी होता है। अभिभावकों को चाहिए कि वे बच्चों के सपनों में साझेदार बने और उन्हें साकार करने में उनके मददगार। क्योंकि मोदी जी देश के अभिभावक हैं, तो ऐसे में वो सीधे पेरेंट्स के सामने इस विषय पर अपनी बात रखते हैं। मेरी अभिभावकों से भी आग्रह है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने बचपन में सोचा था डॉक्टर बनना है, अब क्लर्क बन गए। वो सारी सजा बच्चों पर दे रहे हो। वो मां बाप विफल है जो
अपने जीवन की अधूरी चीजें अपने बच्चों पर थोप करके उनसे करवाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने नहीं करना था। उसके भीतर जो पोटेंशियल है, जो सामर्थ्य है, उसको जानने पहचाने का प्रयास करना चाहिए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि किसी माँ बाप को इसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत होती है। मोदी जी जानते हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चों को भली भांति समझते हैं, संभाल सकते हैं, इसलिए उन्हें किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, बल्कि जरूरत है मोटिवेशन की, इंस्पिरेशन की और अवेयरनेस की। आज के युवा इतने समर्थ हैं कि वे अपने माता पिता की कल्पना से कहीं परे निश्चित रूप से ऊंची उड़ान भरेंगे।